and holiness. All my brothers and sisters. Ceremony showcasing the spirit and pride of a team or organization. गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम हिमाचल और गंगा पर बसे लोगों के लिए ड्यूटी आपको नहीं हमने साथ ड्यूटी मेरी आपके साथ वो अनिल सर आया था जल्दी मैं वो कहाँ सब तेरे पवित्र आशीर्वाद पाने की हम आशा रखते हैं और सब तेरे ही जय गाथाओं का जन गण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है
बड़ा विजय है। Our national anthem acts as a unifying force, transcending geographical and cultural boundaries. Each part resonates with the spirit of unity and diversity, reminding us that despite our differences, we are one nation, bound together by a common destiny. We are thrilled to present a provoking scale that promises to take you on a journey of goosebumps, emotions and reflections. So sit back, relax and get ready to enjoy a wonderful performance by Group Abhivyakti Express. Thank you.
As we delve into the pages of history, let the powerful dialogues of our freedom fighters resonate in our hearts. You can make a guess like who said this famous powerful expedition. Dialogue, and you need to guess ki ye dialogue kis famous krantikari ne bola hai. So can we have the dialogue once again? Inqilab Zindabad! Yes, Shahid Bhagat Singh. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. यस, इट्स करेक्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेक्स्ट डायलॉग. सत्यमेव जयते. गांधी जी. एनी गेसेस? नो. पंडित मदन मोहन मालवीय. नेक्स्ट वन. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है. अब ये तो बहुत फेमस डायलॉग है, आई थिंक ये तो हमें पता होना चाहिए. एनी गेसेस, किसने बोला होगा ये डायलॉग फेमस? चंद्रशेखर आजाद. ओहो नो, दिस पर्सन इज रामप्रसाद बिस्मिल. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. ओके, एनी गेसेस? ट्राई कीजिए. पंजाबन. यस, मोहम्मद इकबाल. दैट्स करेक्ट. आराम हराम है. गांधी जी ने नहीं बोला था. दिस इज अ फेमस बाय हम सभी के प्यारे, जो जिसकी वजह से हम चिल्ड्रंस डे बनाते हैं. अब तो हिंट दे दी, अब बता दो. एग्जैक्टली, जवाहरलाल नेहरू जी. जय जवान जय किसान. लाला बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री. लाला नहीं, लाला नहीं बोलते. फेमस टीचर, टीचर्स डे वाला. ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी. ओके, साइमन गोबे. एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी माहौल चला था हमारे इंडिया में, और बहुत से लोगों ने ये वाला नारा एक साथ लगाया था. वो क्या था? साइमन गोबे. एनी गेसेस? बताओ ये वाला डायलॉग किसने लाइक फ्रेम किया था? लाला लाजपत राय. एग्जैक्टली, लाला लाजपत राय. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है. ओके, ये किसने बोला था बताएं? अरे क्या बात है, बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक. वंदे मातरम. आई एम एक्सपेक्टिंग ये तो पता होना चाहिए. जल्दी से बता दीजिए किसने बोला था ये. बकिम चंद्र चटर्जी. यस. उठो जागो और यह लक्ष्य हासिल करने तक मत रुको. बिल्कुल सही, स्वामी विवेकानंद जी. थैंक यू. मुद्रा मिस्त्रो ऑन स्टेज. इतिहास का मैं आईना हूँ, तहजीब का रंग सुनहरा. गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं नए भारत का चेहरा. मैं कल भी था, मैं आज भी हूं, मैं नवयुग का अंदाज भी हूं. सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में.
मैं देश भक्त भी कह रहा हूं, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। मैं बेटी की मुस्कान में हूं, मैं नारी के सम्मान में हूं। विज्ञान में और किसान में हूं, हर वीर में और जवान में हूं। मैं सीमाओं का पहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। रंग रंग में जोश की बूंदे, बूंदों में जीत ही गूंजे, इस गूंज से गिर जाएगा आसमान भी कदम में। रुको ना सपनों के तूफानों को, रुको ना जज्बों की उड़ानों को, रुको ना आंखों के निशानों को, आग जैसे बरसा दे ये इरादे। जिगरा है जिगरा है, Oh,
आवाज उठी, राग उठी, जनता विद्रोह, विनाशक क्रांति की आग उठी, साथ उठी।
अरे मेरा शरीर इस मिट्टी में बना है और इस मिट्टी में ही मिल जाएगा। अंतिम एकलौती अभिलाषा मेरा वतन अमर आजाद रहे, चाहे लगे अहुति प्राणों की पर क्रांति के यज्ञ में आग लगे। मैं हूँ मजबूत इरादों से, मैं डरता नहीं गद्दारों से, बस रंगे हाथ तू माफ करना साथ मेरा हथियारों से। ना खोपल में लड़ोली में, ना इंकलाब हर बोली में, रहो इश्क आजादी अमर सदा जो सजी शहीद। From one song to another, take a moment to soak the melodies, feel free to tap your hums along, or simply let the music take you to the place only music can. The stage is alive with the sound of tanya, and we hope you are enjoying every moment. It's time to orchestra to rule our mind and soul and dive us more in the ways of patriotism, welcoming Swar Sadhana Chorus Group on stage. करो कुर्बानी।
चिट्ठी आती है हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम दिन ये शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है हो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीती रहो respected artists here.
to share his thoughts on this special occasion. He has been a guiding light throughout our journey, and we are privileged to have him as a speaker who is gonna share words of wisdom to us. Give a round of applause for Arjun sir. First of all, Happy Republic Day to all. यहाँ पर सब पधारे सभी बच्चों, गुरुजनों, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आई होप कि प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। कुछ प्रोग्राम तो बिल्कुल यूनिक थे, नए थे, जो कि मुझे पहली बार देखने में मिले। तो हम आज का दिन क्यों मनाते हैं, पहले हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो एज यू नो, दिस इज़ द रिपब्लिक डे एंड दिस इज़ द 75th रिपब्लिक डे वी आर सेलिब्रेटिंग। दिस रिपब्लिक डे वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई हमें पता होना चाहिए संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 वी वर अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी शुड हैव, किस प्रकार की सरकार हमारी होनी चाहिए। तो इससे पहले हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी चल रहा था, फिर उसके बाद में राजतंत्र आया, उसके बाद में विदेशी ताकतें आई, फिर अंग्रेज आए और फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हमें सभी प्रकार के जो सरकार के तरीके थे पता था, बट वी वर लिटिल बिट कन्फ्यूज व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वी हैव टू अप्लाई, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्च। तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करने के लिए वी मेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और आप सभी को पता होगा 10th क्लास में अपने पढ़ाया कि देयर वर 299 मेंबर्स वर देयर आफ्टर द पार्टीशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इट टुक 2 years 11 months 18 days। शायद आपको पता नहीं होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे सिर्फ ये बात डिसाइड करने के लिए कि भारत में किस प्रकार की सरकार रहेगी। ये दुनिया में सबसे लंबा समय था किसी भी देश के लिए जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लिया गया। और आखिर में क्या डिसाइड किया गया, बच्चा थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आखिर में सभी लोगों ने यही डिसाइड किया कि 80% गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वही रहेगा जो अंग्रेजों के समय था। शायद आपको ये पहली बार सुनने को मिल रहा होगा कि 80% द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वी अप्लाइड द सेम एज ब्रिटिशर्स वर डूइंग। तो फिर आज़ादी के बाद में हमने बदलाव करा क्या, देट वॉज द ओनली 20%। सिर्फ 20% हमने सरकार चलाने का तरीका बदला, सिर्फ 20%। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे ना, खासकर 11th 12th क्लास आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। सिर्फ 20% वी चेंज, और वो 1935 से अलग था। तो अपने देश में जो नियम कायदे बने हैं वो 1950 26 जनवरी से बने हैं, पर ये जो नियम है ये बहुत पुराने चल रहे हैं। तो इन नियमों को कब अप्लाई किया गया, 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पर एक और बात उठती है कि हम इसी दिन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, जबकि हमारा देश का संविधान कब बनकर कंप्लीट हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। वी टुक 2 months टू अप्लाई, 2 महीने हमने लिए। ज़्यादातर बच्चों से पूछा जाता है, बहुत कम लोगों को ये पता है कि ऐसा क्यों हुआ, 26 जनवरी 1949 को ही हमने गणतंत्र दिवस क्यों डिक्लेयर नहीं कर दिया। तो उसका एक कारण है, 1930 में हमारे देश में एक कन्वेंशन आया था, लाहौर कन्वेंशन, जिसमें डिसाइड किया गया था हर साल हम 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाएंगे। बट फॉर्चुनेटली वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 15th ऑफ अगस्त 1947। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड कि वी वर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी एज ए इंडिपेंडेंस डे, तो वी शुड सेलिब्रेट इट एज ए रिपब्लिक डे। तो 2 महीने बाद हमने 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो भारतीय संविधान कानूनों से बना हुआ है, 395 आर्टिकल्स है, 12 पार्ट्स है, ये ध्यान रहना चाहिए सभी लोगों को, और 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो एक कानून, कुछ नियम हमारे देश को चलाने के लिए दिए गए हैं, उन्हीं नियमों का संग्रह है संविधान, और उसी संविधान को आज लागू किया गया था, इसीलिए हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। मतलब आज ही के दिन हमारा देश गणतंत्र बना था। गणतंत्र का मतलब होता है जो सुप्रीम लीडर है वो, और सरकार को चलाने वाला वो किसके द्वारा चुना जाएगा, विल बी इलेक्टेड बाय द हुम, गणतंत्र मतलब गण मतलब जनता, जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो अपना देश 1947 से लेकर 1950 तक गणतंत्र नहीं था, रिपब्लिक नहीं था, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक डे बिकॉज आर गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड एज अ, क्या चुना गया, डेमोक्रेसी एज वेल एज रिपब्लिक कंट्री।
इसलिए हम आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू अर्जुन सर। A heartfelt thank you to all the dedicated and inspiring team of teachers. Your unwavering commitment to education, guidance and mentorship have played a vital role in shaping the success of this, my first event so far. To our brilliant students, you are the heart and soul of our school. Also, your enthusiasm, talent and hard work has been the true stars of our today's function. Whether it was a captivating performance, a skit that was actually giving a kind of goosebumps, or through the dance performance, a thought-provoking presentation, the decoration or an outstanding display of teamwork, each one has made a significant contribution. We extend our sincere gratitude to the parents, guardians and our integral part of our school community. Your engagement, support and active participation has made this event a brilliant event. Thank you so much. And a happy Republic Day.